सभी का स्वागत है हमारे सावन हिंदुस्तानी ब्लॉग चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होंगे। दोस्तों तो आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है, दोस्तों पर्व है भगवान भोलेनाथ का। तो आज हम बेलनाथ मंदिर पर लेके जाएंगे दोस्तों आपको, बेलनाथ बरौद जो है भोलेनाथ का। तो आज हम बेलनाथ मंदिर पर हम अपनी फ्लाइट को लैंडिंग करेंगे। अरे नहीं यार, बगल में थोड़ा लैंडिंग करेंगे, मंदिर पे नहीं। तो हम वहाँ पर सीधे आपको मेला से रूबरू कराएंगे, वहाँ पर कितने लोग आते हैं और कितने हैं, तो मैं आपको वहाँ का मेला पूरा दिखाऊंगा और मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो लेके चलते हैं हम अपनी फ्लाइट को वहाँ पर लैंडिंग कराने के लिए सीधे। तो हम आ चुके हैं बेलनाथ के मंदिर पर। उसी मंदिर में दोस्तों भोलेनाथ का मेन मंदिर शिवलिंग है वहाँ पर। तो भीड़ ज़्यादा होने के कारण हम वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो हम इधर का आपको पूरा दिखाएंगे दोस्तों। बाकी मेन मंदिर वही है बेलनाथ का। तो यहाँ पर बजरंग बली का ये मूर्ति है। तो धीरे धीरे हम आपको यहाँ के सभी मंदिरों में लेके चलेंगे, धीरे धीरे करके। यहाँ पर सभी भक्तगण मजे ज़्यादा आए हुए हैं दोस्तों, तो आप बने रहिएगा। तो यहाँ पर मेला देखने के लिए भी लोग आए हुए हैं और दर्शन के लिए भी लोग आए हुए हैं, और यहाँ पर तो सेल्फी और फ़ोटो लेने के लिए ये लोग आते हैं दोस्तों। तो आप बने रहिएगा, ये सब आम बात है यहाँ पे। यहाँ पे ही नहीं दोस्तों, सभी जगह ये आम बात है कि लड़कियों का सेल्फी लेना तो बनता है, और सेल्फी लेने के बाद उस फोटो को बारीक से देखते हैं कि अच्छा आया कि नहीं। तो आप सब मस्त रहिएगा दोस्तों और वीडियो को देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक अभी कर दे दोस्तों, क्या पता आगे भूल जाए आप लोग। मगर ये लोग फ़ोटो को करीब से देखना नहीं भूलेंगे फ़ोटो खींचने के बाद। तो हम आपको आगे के लिए और लेके चलते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पर हवन हुआ था, तो यहाँ पर बेलनाथ पर 8-9 दिन का यहाँ पर हवन हुआ था। तो आज वहीं पर भंडारा भी यहीं पर है, हर साल ऐसा होता है, भंडारा भी होता है। तो भक्तगण भूखे प्यासे आते हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर प्रसाद वितरण करके ही जाते हैं। तो यहाँ पर इस मंदिर में देखते हैं, तो यहाँ पर भोलेनाथ का एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ पर भी है। तो धीरे धीरे करके मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ, तो आप सब बने रहिएगा दोस्तों और हर्षोल्लास और खुशी के साथ देखिएगा यहाँ पर। देखिए बारीक से देखते हुए माँ के दर्शन करते हुए हम सब आगे की ओर चल दिए हैं। तो सामने कुआँ है, यहाँ का कुआँ बहुत पानी पीने योग्य नहीं है दोस्तों। यहाँ के छोटे छोटे मंदिरों में ये सब मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। बाकी यहाँ पे भोजन बनाते हुए, यहाँ पे लोग आते हैं दूर दूर से, अपना भोजन भी यहीं पर बना करके खाते हैं और भगवान के ईश्वर की आराधना और पूजा यहीं पर करते हैं। तो मैं धीरे धीरे अंदर की ओर आपको लेके चलता हूँ दिखाने के लिए दोस्तों। तो आप ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे श्री गणेश भगवान जी, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नम कुरुमे देव, सर्वकार्य सुसर्वदा। और इधर हमारे शिरडी के साई बाबा हैं, जो यहाँ पर भक्तों को आशीर्वाद देते हुए बैठे हुए हैं। सबकी अपनी अपनी पूजा आराधना आस्था है। नंदी महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी शंकर भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा शिवलिंग यहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर भी सब लोग पूजा सच्चे मन से करते हुए आगे की ओर सब बढ़ते हुए यहाँ पे
एक अच्छा मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर। हर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर इस त्यौहार का मनाया जाता है त्यौहार को। तो यहाँ पर भी बजरंगबली का एक महत्वपूर्ण और अच्छा मूर्ति देखने को मिली है। भगवान हम सब पर कृपा बनाए रखें। तो जो भी भाई हो बजरंगबली को मानते हो तो वो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। इसी तरह से मैं आपको नए नए स्थानों के इसी तरह से वीडियो दिखाऊंगा। आप देखते रहिए, मेले का आनंद उठाते रहिएगा। कुछ दिखे तो उसको खा लिया करिएगा दोस्तों। अब मैं यहाँ पर इतने लोगों को दे नहीं पहुँचूँगा देने, तो आप चुपके से उठा लिया करिएगा ताकि कोई देख भी ना सके और काम भी बन जाए। इससे अच्छा ऑफर क्या है दोस्तों। तो आप सब बने रहिएगा, देखते रहिएगा यार। अच्छा सोचें, निगेटिव नहीं उठा लें। देखो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे चश्मे हैं, उठा लो तो भी सामने वालों को पता ना चले। मोबाइल में तो उठाने के लिए कह रहा हूँ भाई, वहाँ सामने से नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है दोस्तों। बेलनाथ बराउत, ये स्थान का नाम बेलनाथ है दोस्तों। बेलनाथ पूरे गुबईपुर बराउत हंडिया प्रयागराज, इसका पूरा लोकेशन है। तो यहाँ पर मैंने पूजा करने की थाली लेके गया था दोस्तों फूल, और वहीं चाची को मैंने दिए थे हेलमेट, तो वो ले लिए पैसे दे करके। 20 रुपये का एक माला पड़ा था दोस्तों, 20 रुपये का पूजा करने का। उसमें सब कुछ था, बेर कनेर का फल जो होता है भोलेनाथ को, जौ और बेर सब कुछ यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर ये जो यज्ञ हवन कराए थे 8-9 दिन का, तो यहाँ पर भंडारा भी रहता है प्रसाद वितरण के लिए। तो यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं दोस्तों भोजन करने के लिए। बहुत अच्छा भोजन यहाँ पर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि बस काम चलाऊँ, वे पेट भर करके आपके वो यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। सब्जी, पनीर, रसादार और बुनिया पूड़ी, तो आप देख सकते हैं। अब खा करके सब लोग धीरे धीरे अब जा रहे हैं। उसके बाद दूसरे लोग आएंगे, भक्तगण यहाँ पर प्रसाद वितरण करेंगे। तो हम आगे चलते हैं धीरे धीरे मेले की तरफ, आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको मेला कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर दोस्तों, भूलना नहीं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों धीरे धीरे हम आपको आगे की ओर लेके चल रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पर भैया देखिए कितनी मेहनत के साथ गन्ने का रस निकाल रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पर दर्शन करने में भोलेनाथ के करीब 1.5 घंटे लग गए लाइन में खड़े होते हुए दोस्तों। तो मैं आपको आगे की ओर धीरे धीरे लेके चल रहा हूँ यहाँ पे मेले का नज़ारा दिखाते हुए। तो वहाँ पर बच्चे कूद रहे हैं, तो मैं अभी वहाँ पर बारीकी से आपको दिखाने के लिए लेके चलूँगा दोस्तों। तो आगे की ओर थोड़ा चलते हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मेला बहुत अच्छे और ठीक ढंग से यहाँ पर कार्यक्रम है, सब अच्छे से यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे रंग बिरंगे बच्चों के खिलौने फिरंगी हैं यहाँ पे, जो बच्चों को आकर्षित करते हैं। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ आप लोगों को बारीकी से दिखाने के लिए। यहाँ पे बच्चे कितने आनंदपूर्वक यहाँ पर कूद रहे हैं। तो यहाँ पर जाली लगी हुई है ताकि बच्चे बाहर ना गिर पड़े। तो यहाँ पर कितने आनंद के साथ वे लोग कूद करके उस पर गिर रहे हैं कि पूछो ही मत, जैसे यहाँ पर ही पूरी आनंद मिल रहा हो। तो इसी के बाद दोस्तों हम धीरे धीरे अब घर और निकलेंगे दोस्तों। तो अभी आप वीडियो को लाइक ना किए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।